राधे राधे। आज आप सबने में क्यों एक छोटी सी कहानी तो आप जरूर सुनी जो शेयर लाइक करी जो। एक गांव के मायने एक है जो कोई साहूकार रेवे तो भी साहूकार की एक बेटी रेवे लाडा कोडा कोई आगे पीछे कोई कौन रहे खाली एक बच्ची हुए भी के तो वह बच्ची है जो कि बड्डी उजावे और भी को वो है जो को ब्याह कर दिया वो सेठ जी भी बेटी को ब्याह कर दिया और भी जुआई ने घर जुआई रखे और आपकी धन संपत्ति पूरी है जगह भी जुआई का नाम कर दिया बेटी जुआई का नाम। तो यहाँ करता करता खासा दिन हो जावे खूब राज्य खुशी हंसता खिलता रहे सुसरो जुआई बेटी घर के माए ने माता पिता के साथ है। तो ये दिन कहीं हुए कि ये कोई रायगीर गेरे गेले में चलते वो रायगीर आवे और भी सुसरे ने पूछे भी सेठ जी ने कि सेठ जी मैं कोई अमुक गाँव के मायने जाऊँ तो भी गाँव को है जो को तुम्हारे कति दूर है कितनी दूर पड़े अटूँ। तो वो साहूकार है जो को कहे कि भाई अटू चार कोस पड़े। तो बीच के माँ ने जुआई है जो को आवे और बात ना काटे और कहे कि नहीं नहीं अटू तीन कोस पड़े। तो वो है जो को पूछे कि तन काटा तीन कोस पड़े जुआई ने कहे वो सेठ जी। तो वो जुआई कहे कि मारो पगू ना पीड़े। तो वो सेठ है जो को भी जुआई ने कहे कि नहीं मारो पगों ना पीड़े पाउंडों ना पीड़े वो चार कोस है। यहाँ कर दोनिया माँ ने बे शुरू जावे दोनिया माँ बे और लड़े शुरू जावे तो सुसरो बहुत हटीलो ऋषी लो। तो वो तलवार लेर भी जुआई के लारे भागे तो बेटी है जकी भी खेत के माँ ने घियोड़ी बातों लेर मतलब रोटी लेर। तो वो जुआई भाग तो आपको वह बेट लुगई है आपकी भी खेत के माँ ने बट बीकन पहुँच गयो। तो वह बेटी खड़ी और कहीं देखे कि पिता है जो को भी के पति के लारे तलवार लेर दौड़े। तो वह बेटी है जकी हाथ जोड़ वह दोनिया के बीच में खड़ी और कहे कि पिताजी आप ओ कहीं काम करने ढूंढ गया हमारे पति ने आप मारो तो मैं तुरंत विधवा हो जाऊँगा। तो वो पिता है जो को कहे कि बेटी तू विधवा उजी तो कहीं वे और गणे मैं थर दूसरो रिश्तों कर दूँ। तो बेटी कहे कि कहीं बात की लड़ाई हुई। तो पिताजी बतावे कि देख बेटा एक रायगीर चल तो आयो और मन पूछो कि अमुक गांव को घेलो कति दूर है कितनी कोस है तो मैं बताऊँ चार कोस है और मारा दामाद कहे कि तीन कोस है तो वहाँ दोनिया बेस छिड़गी। तो वह बेटी कहे कि पिताजी आप है जका मारे पति ने मन 25 साल की कर मारे पति ने सौंप दी कन्यादान कर दियो और आप पूरो घर बार धन संपत्ति है जो को मारे और मारे पति के नाम कर दी सब कुछ आपने माफ कर दिया और मन के मायने आप धीरज रखी तो झरना रखी तो ये तो सब कुछ है जो को थे दान कर दियो। तो एक गांव की खातर एक कोस की खातर दुनिया में अति बेस छिड़गी तो चार कोस हुए तो कहीं वे तीन कोस हुए तो कहीं वे बिग माए कहीं फर्क पड़न नाल वे जो चार कोस चली वो तीन कोस आजी जो तीन कोस जाई तो एक कोस बेसी चाह जी। तो आप समा याचना रखो ये कहानी को मतलब है कि हर मिन के मनुष्य के मायने समा और याचना होनी चाहिए समा याचना और भाव और मन में धीरज रखा तो हर रिश्तो है जो को टूट बंधन में और चलन के मायने मजबूर हो जाओ जो रिश्तो टूटनू चाहे बिन आपा रोक सका। तो आप है जो को भी बेटी की तरह सभी अकल हो तो पिता भी बेटी की बात सुने और बेटी के सिर पर हाथ रखे और कहे कि बेटी तू धन्य है। तो वह बेटी कहे कि पिताजी आ अकल है जो को मन था कि माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई है कि हमेशा झरना रखो शांति रखो धीरज रखो कोई बात के मायने उत्तेजित नहीं होनु और हमेशा धीरज रखनी। तो आपको न मैं बड़ी उर पल पोस रही हूँ और मैं सगला आज की आदत सीखी हूँ तो आप हमारे पति ने क्षमा करो। तो सुसुर जो को भी आपके दामाद ने क्षमा करे और कहे कि घर चालो और पूरे धन संपत्ति पाजी और जो भी कोई बच्ची खुशी है वह पूरी दामाद और बेटी के नाम कर दिए। तो जय श्री कृष्ण राधे राधे। हमारी कहानी जरूर सुनीजो शेयर और लाइक करीजो। जय श्री कृष्ण राधे राधे।